बिस्मिलद रहीम असाम लकम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकेंड लास्ट टॉपिक फ्राम यूनिट नंबर फोर एंड डिस्कसिंग टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं आज हम इसके डेली uh, लाइफ में एप्लीकेशनस को डिस्कस करेंगे अमंग इंटर मालिकुलर फोर्सेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट इन डेली लाइफ टू डिटर्मिनंग The properties of the water, biological molecules like the carbohydrates, proteins, DNA, RNA, in plants, transportation of the water and minerals, in animals and human distribution of the food and important nutrients through blood circulation, in synthetic material like glue, paints, and resin, and many more. एज़ यू नो डैट स्टूडेंट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमालिकुलर फोर्स में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस की अहमियत रखती है और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो डेली लाइफ में हम वन बाय वन डिस्कस अप करेंगे वाटर जो है uh, इसमें एक यूनिक uh, प्रॉपर्टी है जिसको uh, इस बिहेवियर की बेस पे अनोमिनस बिहेवियर ऑफ वाटर का टाइटल भी दिया जाता है ये प्रॉपर्टी क्या है इस प्रॉपर्टी को डिटेल में समझने के लिए हम वाटर की आइस फॉर्म की तरफ चलते हैं हमारे पास यहाँ हमें वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ द आइस नज़र आ रहा है वाटर नेचर में स्टूडेंट्स एक सिंगल सब्सटेंस ऐसा है जो कि मैटर की तीनों स्टेट सॉलिड लिक्विड गैसेस में एग्जिस्ट करता है जब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है तो वाटर के मालिक्यूल आपस में जुड़ के हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिनको हेक्सागोनल रिंग्स कहा जाता है या अगर गौर किया जाए तो ईच रेड सर्कल इट शोज द रिप्रेजेंट्स द ऑक्सीजन एटम और उस रेड सर्कल के अराउंड हमें दो जो ब्लू कलर में स्माल बबल से नज़र आ रहे हैं ये हाइड्रोजन है तो वाटर का एक मालिक्यूल इट कंसिस्ट ऑफ वन ऑक्सीजन एटम एंड टू हाइड्रोजन एटम तो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो वाटर के मालिक्यूल्स आपस में विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइंस जो मिड में हमें नज़र आ रही हैं ये ब्लैक डॉटेड लाइंस ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करती हैं ये आपस में मिलके सिक्स एजिस स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर भी कहा जाता है जब वाटर सॉलिड स्टेट पे कन्वर्ट होता है इस साइड पे आप लिक्विड स्टेट में देखें वाटर के मालिक्यूल लिक्विड स्टेट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं लेकिन वो बना रहे होते हैं और उसको तोड़ रहे होते हैं क्योंकि वाटर कंटिन्यूसली इसके मालिक्यूल मूवमेंट कर रहे होते हैं बट इन केस ऑफ़ द सॉलिड स्टेट जब टेम्परेचर डाउन होता है तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है और नतीजे के तौर पर वाटर के मालिक्यूल जो हैं वो फ्रीजिंग uh, पॉइंट्स की तरफ जब बढ़ते हैं तो वह कन्वर्ट होने लगते हैं सॉलिड uh, स्टेट में लेकिन ये सॉलिड स्टेट किस वजह से बन जाती है द हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इसी चीज़ को अब हम uh, पिछली स्लाइड्स में देखते हैं अब इसको ज़रा थ्रेटिकली समझने की कोशिश करते हैं ये बात याद रखिए लाइक ऑल द अदर लिक्वड्स वाटर फोर डिग्री टेम्परेचर तक अदर लिक्वड्स जैसा ही बिहेव करता है अगर टम्परेचर uh, लिक्वड्स का बढ़ाया जाए इंक्रीज़ किया जाए तो उनकी सो so, टम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो डेंसिटी डिक्रीज़ होगी और डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ़ द सॉलिड एंड लिकुडस इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर और डेंसिटी जो है वो सॉलिड और लिक्विड्स की बहुत सारों सारे सॉलिड एंड लिक्विड्स की डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब टेम्परेचर को डिक्रीज़ किया जाए बट वाटर शोज़ द यूनिक प्रॉपर्टी इन दिस रिकॉर्ड जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं जब टेम्परेचर फोर डिग्री पे आता है तो डिक्रीज़ इन टेम्परेचर की वजह से डेंसिटी जो है डेंसिटी को इंक्रीज़ होना चाहिए था जो कि नॉर्मली होता है लेकिन टम्परेचर डिक्रीज़ होने के साथ इनवर्स रिलेशन नहीं हो रहा डेंसिटी इंक्रीज़ नहीं हो रही बल्कि डेंसिटी भी उसके साथ डिक्रीज़ होने लगती है और वॉल्यूम में इजाफा होने लगता है हमारे पास एक इक्वेशन है डीज इक्स टू एम ओवर वी जिसमें डेंसिटी जो है वो किसकी इक्वल है मैस ऑफ एनी सब्सटेंस और ये दोनों चीज़ें डेंसिटी और मैस ऑफ सब्सटेंस ये इनवर्स रिलेशन में होता है वॉल्यूम ऑफ द दैट सब्सटेंस तो वजह क्या हुई कि जैसे कभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वाटर के मालिक्यूल हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे और मिड में एम्पटी स्पेस एम्पटी स्पेस आ जाएगी और वाटर जो है वो हेक्सागोनल रिंग स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ आप दोबारा देख लें कि सिक्स वाटर मालिक्यूल आपस में मिल एक रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं और मिड में ये स्पेस आ जाती है जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है इसी वजह से डेंसिटी जो है बढ़ने की बजाय डिक्रीज़ हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज़ हो गया तो व डिक्रीज इन द ट्परेचर डेंसिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है वॉल्यूम क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है जिसके नतीजे में जो आइस है वो वाटर सर्फिस पे फ्लोट करती है इस यूनिक प्रॉपर्टी को अनोमिलस बिहेवियर ऑफ वाटर का नाम दिया जाता है या अनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहा जाता है कुदरत ने यह प्रॉपर्टी पैदा की इसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक्सट्रीम वेंटर्स में जबकि आइस जो है वो बनना शुरू हो जाती है अपर सरफेस ऑफ द वाटर चाहे पाउंडस लैक्स हों सीज़ हों वाटर की कोई बॉडी है कोई सोर्स है जब उसकी अपर सरफेस फ्रीज़ हो जाती है या हम देख सकते हैं जब टेम्परेचर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ बढ़ता है तो अपर सरफेस जब फ्रीज़ हो जाती है तो उस पानी के अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है जो एक्वेटिक लाइफ मौजूद है फिशेस हैं प्लांट्स हैं इन सब की ज़िंदगी उन सब के सर्वाइवल के लिए ये बिहेवियर इनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है उसकी वजह क्या होती है वाटर एक्ट एज आ इंसुलेटर वन टेम्परेचर ऑफ़ द एटमोसफियर फॉल्स बिलो द ज़ीरो डिग्री द वाटर एट द सर्फेस ग्रेजुअली फ्रीजिज टू आइस बट द वाटर अंडर द आइस लेयर रिमेन्स एट फोर डिग्री वो ठंडा तो होता है लेकिन वो फ्रीज नहीं होता और uh, इसी वजह से एक्टिक लाइफ जो है वो सरवाइव कर सकती है एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में या हम देख सकते हैं ये आइस फिशिंग की जा रही है इसमें आप देखें कि अपर सरफेस जो है वो आ, फ्रीज है और ये जो पर्सन है ये यहाँ आइस के अंदर होल्ड करके फिर उसने फिशिंग की कोशिश की है उसमें ये कामयाब भी है तो सरफेस सारी के सारी जब फ्रीज हो जाती हैं लेकिन उसके नीचे जो समंदरों के अंदर जो ज़िंदगी है वो आ, सर्वाइव करती है ड्यू टू दिनस बिहेवियर ऑफ वाटर बिकॉज़ वाटर आइस एक्ट एज़ अ इंसुलेटर और आइस जो है बाहर की ठंडों को अंदर नहीं आने देती और अंदर की जो गरमाइश है वो बाहर नहीं जाती जाहिर है समंदरों के अंदर या दरियाओं के अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और उनकी एक्टिविटीज जारी है वाटर बिकॉज वाटर आइस एक्ट एज इंसुलेटर और आइस जो है बाहर की ठंडों को अंदर नहीं आने देती और अंदर की जो गरमाइश है वो बाहर नहीं जाती ज़ाहिर है समुद्रों के अंदर या दरियाओं के अंदर जो ज़िंदगी मौजूद है वो अपना मेटाबॉलिक प्रोसेसेस और उनकी एक्टिविटीज़ जारी रहती हैं और हीट रिलीज़ होती है एनर्जी रिलीज़ होती है जिसकी वजह से टेम्परेचर डाउन नहीं होता द सी आइस इकोसिस्टम और इसी तरह एंटार्टिका समेत जितने भी जोनस हैं जितने भी एरियाज़ हैं दुनिया में जो कि फ़्रीज़ हो जाते हैं वहाँ जिंदगी की एक्टिविटीज लाइफ की एक्टिविटीज अंडर द आइस जो है वो जारी रहती हैं इस तरह हम देख सकते हैं कि समंदर के अंदर कितना बड़ा ये मैस है ये आइस कैप है आइस कैप किसे कहते हैं जब सम आइस का बोर्ड बड़ा पीस टूट के आइस ग्लेशियर से अलग हो जाए जो जो आइस का माउंटेन होता है पहाड़ होता है उसको ग्लेशियर कहा जाता है उससे जब कोई बहुत बड़ा पीस टूट के जो है वो समंदर में या दरिया में गिर जाए तो वो फ्लोट करने लगता है फ्लोट वो क्यों करता है ड्यू टू दग्जागोनर रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द वाटर मालिक्यूल और ये फ्लोट करता है क्योंकि वॉलीम ज़्यादा हो जाता है और डेंसिटी जो है ओवरऑल उसकी कम हो जाती है उस आइस कैप की तो जिसके नतीजे में वो फ्लोट करता है सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ हम बढ़ते हैं और ये है जी हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए डीएनए हो या आरएनए हो ये बेसिकली इनमें जो बैकबोन होता है वो कोबर बॉन्ड की वजह से होता है या हम देख सकते हैं कि फाइव कार्बन रिंग स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन के फाइव एटम मिले हुए होते हैं जो कि बेस uh, बना रहा होता है उसके साथ ये राउंड सर्कल में बाबा से एक फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है और फोर हमारे पास इन स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिस होते हैं जिसे नाइट्रोजीनियस बेसिस कहा जाता है तो ये नाइट्रोजीनियस बेसिस जो हैं वो एडिनिन साइटोसिन गवान थायमिन होती हैं और अम, जो आर एन ए है उसमें ये यूरा सेल होगी अब एक्चुअली आप ये देखें स्टूडेंट्स के जो केमिकल कंपोजिशन नाइट्रोजन बेसिस की है वहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं और हाइड्रोजन तो हर एक बेस के अंदर है तो हाइड्रोजन तो हर एक बेस के अंदर है तो नतीजे के तौर पर ये नाइट्रोजन बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं और थायमिन एडिनिन ए और टी और ए के दरमियान डबल दो टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं गवानिन और साइटोसिन जी एंड सी के दरमियान थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं जिसके नतीजे में ये आप देख सकते हैं डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो है हमारे पास डीएनए का वो कंस्ट्रक्ट होता है इसको मैं मज़ीद एक और व्यू से देखें तो यहाँ हम दोबारा इसको देख सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक लाइफ है जो आपका डीएनए है जो कि हेडिटी मटेरियल को आगे ट्रांसफ़र करेगा थ्रू थ्रूडा क्रोमोसोम और क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेट होते हैं तो इन तमाम की स्ट्रक्चर जो है वो आ, किस की वजह से स्टेबल होती है किस की वजह से आगे इन करैक्टर्स को जो है पास करती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से या हम देख सकते हैं कि आरएनए और डीएनए इनके नाइट्रोजीनस बेसिस के साथ बात की गई है और यूरासल एक सिंगल बेस है जो कि थामीन की जगह आरएनए में पाई जाती है और डीएनए में एडेनिन गवानिन साइटोसिन थाययामी फोर नाइट्रोजीनस बेसिस होती हैं इन नाइट्रोजीनस बेसिस की केमिकल कंपोजिशन को आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नज़र आ रहा है और हाइड्रोजन के साथ ये कहीं भी जब इनको नेबरिंग में मिलते हैं ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स तो ये उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रोटीन मालिक्यूल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन मालिक्यूल यहाँ देखा जा सकता है हमारे पास ये प्रोटीन का केमिकल फार्मूला है अल्फा कार्बन क्या होता है वो कार्बन जिसके ऊपर बाकी सारे फंक्शन ग्रुप अटैच हों अब यहाँ पे स्माल ए, ए, ए जो है वो अल्फ़ा ए किसको शो कर रहा है उस कार्बन को बताने का मकसद ये है के टू जो हैं वो फंक्शनल ग्रुप जो हैं वो आ, प्रोटीन के मालिक्यूल के अंदर पाए जाते हैं एक होता है कार्बोआक्सलेक्स सी ओ एच ग्रुप और दूसरा अमाइन ग्रुप तो आ, नाइट्रोजन पाया जाता है हर एक अमाइनो एसिड के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है हर एक अमानो एसिड के अंदर और हाइड्रोजन तो होता ही इसके साथ मौजूद है तो अब नतीजे के तौर पर